इसलिए हम लोग 16 तारीख के निश्चितकालीन के लिए जितने इनके एरिया में जो प्रभावित काम जो चल रहा है हम लोग बंदी की घोषणा किए हैं। और हम लोग के जब तक लेकर मांग नहीं पूरा होता है, रोजगार की व्यवस्था नहीं करता है, तो हम लोग निश्चित काल के लिए बंदी रखेंगे। और अगर से अगर कहीं हम लोग के साथ में यहाँ के रैयत विस्थापित मोर्चा के जितने तमाम लोग अधिकारी लोग रहेंगे, ग्रामीण लोग रहेंगे उपस्थित, अगर कहीं सब छेड़छाड़ किए, चाहे सीसीएल प्रबंधक चाहे प्रशासन की ओर से, तो हम लोग आने वाला समय में पूरा इनके एरिया जितने माइंस चल रहा है फिर हम लोग उस पर बंदी का घोषणा करेंगे और सब जगह खदान हम लोग बंद कर देंगे। अगर ये गाँव ग्रामीण ने कहेगा कि हम लोग के खदान आगे चलाना है, चाहे जमीन की जो मांग करता है, बहुत अभी सीसीएल में ऐसा ऐसा है कि बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिला है, बहुत जगह का मुआवजा नहीं मिलल है, जो पुनर्वास के जगह नहीं मिलल है, बहुत समस्या है। तो हम लोग निश्चितकाल के लिए सीसीएल को भी बंद कर सकते हैं। जो वहाँ रोजगार की बात थी उसे अनदेखी किया गया और इसमें रोजगार में यहाँ का रैयत विस्थापितों को नहीं रखने का बात हुई। हम लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर रैयत विस्थापित मोर्चा को, यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को अगर नौकरी में अगर नहीं रखती है, तो हम लोग जितने कंपनी यहाँ चल रही है सभी को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। 16 जनवरी से चक्का जाम रहेगी और निश्चित के लिए यहाँ पर प्रशासन हो चाहे प्रबंधन हो, किसी तरह से छेड़छाड़ रैयतों को करती है, तो हम लोग पूरे सीसीएल को, पूरे इनके एरिया को बंद करने का काम करेंगे। रैयत भाई रोजगार नहीं मिलने के चलते अन्यत्र राज्यों में जाकर रोजगार पाने के लिए तरसते हैं, जाते हैं, और यहाँ हमारे सामने रोजगार जो है वो कोई और रोजगार उससे जुड़ता है। इससे सभी रैयत काफ़ी विक्षुब्ध है और इनमें नाराज़गी है, आक्रोश है, जिसके लिए 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जा रही है मोर्चा। धन्यवाद।